जबलपुर के तिलवारा थाना अंतर्गत जेडीए कॉलोनी में गैंगवार के दौरान हुई चाकूबाजी में गैंग के सदस्य के भाई की मौत हो गई, जबकि उसका भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद घायल को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक तिलवारा थाना अंतर्गत दो पक्षों में लंबे समय से रंजिश चल रही थी और दोनों ही पक्ष के सदस्य अलग अलग गैंग के सदस्य है, जिसमें अंचल ठाकुर और नितेश ठाकुर एक गैंग के सदस्य है, जबकि मनु श्रीवास, शारदा सोनी, रिंकू साहू और अमित टांगड़े दूसरी गैंग के सदस्य है। जानकारी के मुताबिक मनु श्रीवास अंचल के घर के पास सड़क पर बैठकर आग ताप रहा था, तभी छोटू उर्फ नितेश वहां पहुंचा और दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया। इसी दौरान छोटू ने मनु पर चाकू से वार कर दिया और मनु ने वहीं चाकू छीनकर छोटू पर हमला कर दिया। इस दौरान अंचल उसे बचाने के लिए आया तो चाकू के वार से घायल हो गया। इस चाकूबाजी में छोटू को गंभीर चोटें पहुंची, जिसमें उसकी मौत हो गई। वही अंचल घायल है, जिसका इलाज किया जा रहा है। बहरहाल वारदात के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीबीसी के लिए जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। ये कल रात्रि में थाना तिलवारा क्षेत्र अंतर्गत बाजना मठ के पास जेडीए कॉलोनी में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें एक युवक नितेश और छोटू की मृत्यु हो गई है। इस घटना में उसका भाई अंचल ठाकुर भी घायल हुआ है और जिस युवक पर आरोप है मनु, वो भी घायल स्थिति में है। ये सभी मेडिकल कॉलेज दोनों, अंचल वहाँ भर्ती रहा और मनु श्रीवास वहाँ पर भर्ती है। घटना का कारण तात्कालिक बताया जा रहा है कि इनके बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और जो घटना चाकूबाजी में बदल गई, और इस घटना के बाद आज इसके मृतक के शव परीक्षण कराया गया था मेडिकल कॉलेज जबलपुर से। उसकी डेड बॉडी लेकर वो लोग आए यहाँ थाने के सामने, पुलिस से उन्होंने बातचीत की और अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन भी दिया है, जिस पर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। और ये अपना मृतक का शव लेकर अपने गृह ग्राम नटवारा के पास जो महगवा गांव है वहाँ रवाना हो गए। आरोपी कितने हैं, इनकी अरेस्ट हुई है? इस घटना में आरोपी अभी जानकारी लेकर बताए जा रहे हैं, प्रथम दृष्टया इसमें 3 से 4 आरोपी होना ज्ञात हो रहा है। शारदा सोनी का नाम आ रहा है, जो कि सटोरिया है यहाँ का। आप बिल्कुल, उसका नाम आया है और हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। अच्छा, वजह पूरे घटना के क्रम में क्या सामने आ रहा है? उसमें ये आया है कि ये एक किराना दुकान के सामने बैठे थे, वहाँ इकट्ठे थे, आग ताप रहे थे और उसी समय ये मृतक वहाँ पहुँचा अपने भाई के साथ में, और पहले से जो वहाँ मौजूद था मनु, उससे किसी बात पर विवाद हुआ है। उसका कहना है कि शराब पीने के लिए पैसा मांग रहे थे, इस पर से विवाद हुआ। कुछ इनका पुराना इतिहास और कुछ पुराना विवाद भी है। पुलिस इन सब तथ्यों की जांच कर रही है और सब जांच के उपरांत समुचित वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जाए, आरोपियों में एक भर्ती है, जो मेन आरोपी है वो भी घायल है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। दो को हमने अभी राउंड अप किया है, हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश की जा रही है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।